नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो हर बेटे की माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस व्रत को महिलाएं बहुत ही विश्वास के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ इस व्रत को करती हैं, क्योंकि ये व्रत अपने आप में ही एक सम्मान है एक माँ के लिए। और ये व्रत दिवाली से बिल्कुल 7 दिन पहले आता है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जिस दिन कोई व्रत हो उस दिन आप जल्दी उठें, जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपनी डेली की जो पूजा है उसे कम्प्लीट कर लें। वो कम्प्लीट होने के बाद में आपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, आप एक अपने हाथ में जो है थोड़ा पानी ले लीजिए, उसके बाद में बोलिए, मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को लंबी उम्र, स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करे और उसकी रक्षा करे। ये संकल्प करने के बाद में आप जल को साइड में छोड़ दें। जहाँ तक कोशिश हो, आप जब संकल्प करें तो अपने घर के मंदिर के पास में खड़े होकर ही संकल्प, या बैठ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने आप संकल्प करें। उसके बाद में फिर इसकी जो पूजा होती है वो शाम को होती है। दिन ढलने के बाद में अहोई माता की पूजा की जाती है और इस दिन तारों की पूजा होती है, इसलिए शाम ढलने के बाद जब तारे निकल आए तब ये पूजा की जाती है। और इसके लिए कुछ कुछ घरों में जो ये कस्टम रहता है कि गेरू से दीवार पर अहोई माता का जो चित्र है वो बनाया जाता है, उसमें से बनाई जाती है, उसके साथ पुत्रों को दिखाया जाता है। और जिनके यहाँ इसको बनाने का कस्टम नहीं हो, वो अहोई का जो पोस्टर आता है, जो फोटो आता है मार्केट में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और शाम ढलने के बाद में आपने वो पोस्टर लगा लेना है, तैयारी कर लेनी है। और उस पोस्टर के पास में जहाँ आप, या आपने अगर अहोई को ड्रॉ किया है तो उसके नीचे ही आपने एक चौकी लगानी है और चौकी के ऊपर आपने कलश या लोटा जो है वो पानी से भर कर रख लेना है। साथ ही दोस्तों, जो जो पूजा का सामान आपको उस टाइम लगेगा वो भी रख लें, जैसे रोली चावल जो है वो आपको लगेगा, प्लस आपने अगर जो प्रसाद बनाया है हलवे का वो आप एक कटोरी में निकालें, और बायना निकालने के लिए जो हलवा है वो भी आप एक अलग प्लेट में निकाल के पास में रख लें। फिर जो आपकी जो चांदी की अहोई है उसको आप तैयार कर लें। चांदी की अहोई को आप मोली की नाल को बट करके उसका धागा बना लें और उसके अंदर जो अहोई है उसको वापस से साफ करके पिरो लें, और अहोई के दोनों तरफ वो चांदी की जो मनके है वो उनको पिरो लें। और उसके बाद में अहोई को आपको जो लोटा या कलश आपने रखा है उसके गले में पहना दें। आपकी तैयारी पूरी हो जाए उसके बाद में आप जो है चौकी पे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा आप चावल डालें। उसके बाद में अगर आपने सुपारी के गणपति अपने पास में मंदिर में रखे हैं तो आप उनको उसके ऊपर स्थापित कर दें। और अगर वो नहीं है तो आप घर में अगर छोटी मूर्ति तो वो भी स्थापित कर सकते हैं, वरना सुपारी के गणपति बना के आप वहाँ पे रख सकते हैं। अब आप लोटे पर साथ जो है रोली से बिंदी निकालें और लोटे के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। अब गणपति जी को आप तिलक करिए रोली से, उसके बाद में हलवे का वो भोग लगाइए, और उसके बाद में अहोई को आप रोली से चिरस दीजिए और उसको भी जो हलवा है उसका भोग लगाएं। इसके बाद में आपको कथा सुननी है। कथा सबसे पहले आप गणपति जी की सुनिए। गणेश जी की कथा सुनने के बाद में आपने 7 गेहूं के दाने आपने लेने हैं गेहूं के, वो लेने के बाद में आपको कथा सुननी है। फ्रेंड्स, ये दाने लेने का एक रिवाज क्यों है, उसके पीछे एक रीज़न है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, तो एक्चुअली दीपक जलाने का मतलब होता है कि आपकी पूजा का कोई साक्षी है, जिसने ये प्रूव करना है कि आपने पूजा की है। वैसे ही कथा और कहानी जब हम सुनते हैं तो एक साक्षी के लिए हम अनाज को अपने हाथ में लेते हैं, तो यही रीज़न रहता है। तो आप जब भी कथा सुने तो अपने हाथ में अनाज लेकर, जैसे जिसमें चावल लेना होता है जिस व्रत में आप चावल लीजिए, और इसमें जैसे गेहूँ लेना होता है तो आप गेहूँ के 7 दाने लेकर कथा सुने। और कथा सुनने के बाद में जो लोटा है उसको तो आपने साइड में रख लेना है, और जो अहोई है उसे आपने गले में पहन लेना है, और जो 7 दाने वो आपने अपने पल्लू में, या अगर पीला चुनरी जो आपने ओढ़ के रखा है उसके किनारे पे बांध ले, इससे आपको अर्घ देना है। उसके बाद में जो बायना के लिए जो आपने हलवा रखा है उस पे कुछ पैसे रखकर आप अपनी सासू जी के, अगर पास में नहीं हो आपके सासू माँ तो कोई बड़ा जो भी आपके पास में, उनके पैर छूकर उनको दे दीजिए। और उसके बाद में
आपको तारों को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए जो लोटा है वो ले लीजिए और हाथ में जो वो गेहूं के दाने ले लीजिए और उसके बाद में आप रोली चावल और हलवे से तारों को चिरच करके उनको भोग लगाकर और उसके बाद में अर्घ अर्पित कीजिए। और ये अहोई जो है उसको आपने पहन के रखना और दिवाली के दिन या तो आप लक्ष्मी पूजा करने के बाद में उसी टाइम लक्ष्मी जी के सामने पूजा होने के बाद में आप गुड़ से अहोई को भोग लगाकर जल की छींटे देकर आप खोलकर रख सकते हैं, आप साफ जगह रख सकते हैं। और चाहे तो आप दीपावली के बाद कोई और शुभ दिन भी इसको खोलकर रख सकते हैं। जितने बेटे अविवाहित हों उतनी बार आपको एक एक तथा जितने बेटों का विवाह हो जाए शादी हो जाए उतनी बार आपको दो दो चांदी के जो मनके हैं दाने वो अहोई में आप डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर आपके बेटों की रक्षा करेंगी, दीर्घायु प्रदान करेंगी और उनकी सदैव मंगल जो है उसके लिए वो आपको आशीर्वाद देंगी। और इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ये तो थी दोस्तों पूजा करने की विधि। अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। किसी नगर में चंपा नाम की एक महिला रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे लेकिन उसके बाद में भी उसके कोई भी संतान नहीं थी। तब एक बुजुर्ग महिला ने उसे कहा कि तुम अहोई अष्टमी का व्रत करो। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी देखा देखी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख लिया। चंपा ने श्रद्धा से व्रत किया और चमेली ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किया। व्रत से प्रसन्न होकर देवी ने चंपा और चमेली दोनों को दर्शन दिए। देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया जबकि चंपा ने विनम्र भाव से कहा, माँ आप तो सब जानती हैं, बिना मांगे ही आप मेरी पूरी जो इच्छा वो कर देंगी, तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं मांगती, आपकी जो इच्छा है वो आप दे दीजिए। तब देवी ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बाग है, एक बगीचा है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम जाओ वहां से कोई भी एक बच्चा जो तुम्हें अच्छा लगे उसे अपने घर ले आना, यदि ना कर सकी तो तुम्हें कभी भी संतान नहीं होगी। चंपा और चमेली दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी। बच्चे रोने लगे, भागने लगे, डरने लगे। चंपा से उनका रोना देखा नहीं गया, उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा और अपने घर चली आई। उसके विपरीत चमेली ने रोते हुए बच्चे को बालों से कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती एकदम निर्दयता के साथ उसे अपने घर ले आई। देवी ने चंपा की दयालुता से प्रसन्न होते हुए उसे पुत्रवती होने का वरदान दिया और इसके विपरीत चमेली को माँ बनने के लिए अयोग्य सिद्ध करते हुए उसे श्राप दे दिया। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक अहोई माता की पूजा करने से चंपा को योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी दोस्तों अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। तो हम जानते हैं कि इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। इसके लिए जिस स्त्री के बेटा या बेटी का विवाह हो उसे अहोई माता का उचमन करना चाहिए। इसका उचमन जब भी बेटों या बेटी की शादी होती है वो हर शादी के हर साल इसका उद्यापन किया जाता है। एक थाली में इसके लिए आप 4-4 पूरियां जो है वो 7 जगह यानी 7 ढेर आपने बनाने हैं, 4-4 पूरियों के सेट बना के फिर उन पे थोड़ा थोड़ा आपने हलवा रख देना है। और थाली में एक साड़ी ब्लाउज और कुछ रुपए, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका पॉकेट जो वो अलाउ करती है, आप 101 जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कुछ नियम नहीं कि आपको इतना ही रखना पड़ेगा। और ये रखने के बाद में थाली को आपने हाथ फेरना। हाथ कैसे फेरते हैं, आप अपने साड़ी का पल्लू या पीला जो भी आपने ओढ़ के रखा हो उसको, जो उसका पल्लू है उसको दोनों हाथों के बीच में ले लेना है और अपने हाथ को राउंड राउंड आपने घुमाना है। और उसके बाद में अपने हाथ घुमाने के बाद में उस थाली को अपनी सासू जी के पैर छूकर दे देना है। और फिर सासू जी वो उसमें से साड़ी ब्लाउज और पैसे ले लेंगी और उसमें से जो हलवा पूरी है वह प्रसाद के रूप में आपको बांटना रहेगा। आपकी बहन बेटियां जो भी कोई बेटी ननद कोई रहती होगी उनके यहाँ आप उनको बांट सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आस पड़ोस में भी उसे बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा, पूजा विधि एवं उद्यापन विधि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो आप घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।